एक बहुत ही खूबसूरत दिन है तो सोचा आज व्लॉग कर लिया जाए, बाहर चला जाए। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ, तैयारी हो गई है, गैजेट्स आर रेडी फॉर माय बेबी, माय थार इज़ वेटिंग फॉर मी। सो मैं जा रही हूँ एक प्लेस अननोन, क्या करने जा रही हूँ रास्ते में बताऊँगी, आई कीप ऑन व्लॉगिंग। सो तब तक मेरी तैयारी देखिए एंड आई एम गोइंग टू रॉक सून। सो आई एम रेडी, पैकिंग पूरी डन हो चुकी है, पीछे सब भर चुका है, गाड़ी इज टोटली रेडी, एब्सोल्युटली रेडी, डीजल इज फुल। तो हम निकलते हैं प्लेस अननोन अगेन, क्या करने जा रहे हैं ये भी रास्ते में बताएंगे। करने कुछ एक्साइटिंग जा रहे हैं, मेरे लिए सुपर एक्साइटिंग है और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स स्पेशली लेडीज के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग व्लॉग। बहुत खूबसूरत मौसम, हो सकता है अगर कृपा हुई राम की तो बहुत अच्छी बारिश मिलेगी हमें और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर व्लॉग। शेफ लदातनन साइनिंग इन। ओके Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I told my life of a thing. तो हम जा रहे हैं, हम ये आ गए हैं एक ढाबे पे, टू हैव टी। सुबह तैयारी के चक्कर में चाय नहीं पीती और चाय तो मेरी जान है। तो हम आ गए हैं एक छोटे से प्यारे से रेस्टोरेंट में, दिख तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा है। तो लेट्स हैव टी हियर। सो दिस इज माय ढाबा एंड आई एम गोइंग टू टी हियर। यार थैंक यू भैया, आपने चाय बनाने का दिया मुझे। चलो मैं अपनी चाय खुद बना ले रही हूँ, ये बात। चलो शक्कर बहुत कम, अदरक कूट के, मस्त चाय। क्या नाम है भैया? कैलाश। कैलाश भैया के साथ चाय बना रहे हैं मॉर्निंग सुबह सुबह हैं। कुल्लड़, कुल्लड़ में चाहिए चाय? हाँ कुल्लड़, कुल्लड़ दो ये साथ में और चाय। सो ब्यूटिफुल मॉर्निंग, माय बेबी इज देयर। क्या खूबसूरत लग रही है ये, हल्की हल्की धूप पड़ रही है इस पर और मैं हूँ इन बिटवीन खेत एंड खलिहान। बहुत ही अच्छा गांव दिख रहा है ये और हम आ चुके हैं, वी हैव क्रॉस्ड धार और जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है गंगा महादेव। हाँ जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत भोलेनाथ का टेंपल है जो कि धार से लगभग लगभग 10 से 12 किलोमीटर पड़ा हमें अंदर की तरफ। आई एम शोइंग यू ऑल अराउंड, कैसा लग रहा है, खूबसूरत सूरज की किरणें, क्लाउडी डे, होपफुली हमें बारिश मिल जाए, बस दैट्स आई एम होपिंग फॉर। फॉर अ मिनट आई जस्ट वांट टू रन अवे ऑन वेकेशन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से नाउ, आई जस्ट नीड टू नंब द पेन। सो मैं आ गई हूँ गंगा महादेव, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हालांकि यहाँ पे बहुत पानी गिरने का था बट यहाँ पे एक झरना बहता है और लाइक मंदिर के ऊपर गिरता है, बट स्टिल देर आर नो रेन्स, अभी रेन्स इतने स्टार्ट नहीं हुए तो बहुत पानी नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली, बट स्टिल दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट यू टू सी ऑल ओवर। देखिए कैसा लगता है आपको।
किस्मत के बहुत धनी होते हैं वो लोग जिनको अपने पास भोले बाबा बुलाते हैं। इतने करीब से भोले बाबा के साथ बैठे हैं आज और इतनी शांति से दर्शन कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है ऐसे मंदिरों में लाइन के बगैर भोलेनाथ के दर्शन करना। सो इट्स सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग फीलिंग हियर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल जगह है। गाना गाने का भी मन कर रहा है भोले बाबा के लिए, शायद प्रसन्न हो जाए और कृपा कर दे। गाते हैं। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू पास है शंकरा, दूर होके भी तू पास है। जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो गई समझो उसकी जिंदगी मस्त हो गई, उसके पास कोई चिंता नहीं रह जाती। सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी पीड़ाएं हर लेते हैं, मिलके बोलते हैं हर 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 महादेव। शूटिंग इज ऑन, आई एम ऑन द मूव। बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग चल रही है। सो व्लॉग इंक्लूड्स एवरीथिंग, दर्शन, ऑफ रोडिंग, ट्रैकिंग, अमेजिंग। बेस्ट टाइम स्टार्टेड, ऑफ रोडिंग माई फेवरेट। करते हैं Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma keeps tripping me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say. Hello, everyone. आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे नाना और मेरी नानी। अब ये मेरे नाना और नानी कैसे हुए? ये मोहित के नाना नानी है जो हमारा टीम मेट है, और आज हम लोग मोहित के गांव आए हुए हैं, मतलब मामा के गांव आए हुए हैं। क्या करने आए हैं ये मैं आपको बाद में व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन आप मिलो सबसे स्वीट कपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इनको, इनकी शादी को कितना टाइम हो गया नाना? ठीक है, आपकी शादी को 14 साल को, 14 साल में शादी हुई थी। 77 साल के नाना है, मुझे लगता है कितने साल की शादी हो गई? 62 years की मैरिज। कैन यू बिलीव इट बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा होता है। यस, ऑब्वियसली इंडिया में पॉसिबल है। तो नानी कितने साल हो गए शादी को? हंस रही है, अभी भी मुस्कुराती है, अभी भी शर्म आ रही है इनको नई दुल्हन की तरह। तो नानी हम लोग आए हैं यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में। ये कितना पुराना मंदिर है नानी? ये तो कोई चीज सनन नहीं है। अच्छा, कोई सनन नहीं है कि यानी तीसरी चौथी युग से भी भक्ता और महाराज जी ने उनका यह रुक्मणी हरण नाम कब से पड़ी हो इतिहास चीज। यहाँ पे पास में हम लोग जब अब नेक्स्ट जाने वाले हैं, वहाँ वो जगह है जहाँ से रुक्मणी जी का हरण हुआ था, कृष्ण जी ने जहाँ से रुक्मणी जी को हरा था। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं, और ये मंदिर का इतिहास लगभग उतना ही पुराना बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब रुक्मणी हरण वाली जगह पे भी जाएंगे नाना नानी के साथ। लेट्स गो। तो ये देखिए, ये है रुक्मणी हरण स्थल, यहीं से रुक्मणी जी का हरण किया था कृष्ण जी ने। तो आई एम शोइंग यू द एग्जैक्ट प्लेस कहां से किया था। आइए फॉलो मी, आइए नानी हम लोग दिखाते हैं कि कौन सा रुक्मणी हरण स्थल है। सो दिस इज द प्लेस व्हिच इज नोन फॉर रुक्मणी हरण स्थल। वहां से रथ किया था। अच्छी जगह है हम लोग नाना नानी के साथ। अमेजिंग व्लॉग, क्या बात है। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और आपको भोलेनाथ के दर्शन हो ही गए हैं, तो हमारे इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए एंड डू टेल अस हाउ यू लाइक आवर वीडियो। सो हर हर महादेव।